फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आपने भी वैक्सीन नहीं ली है तो मैं आपको दरख्वास्त करूंगी कि ये गलती हरगिज ना करें। कोरोना हुआ था लेकिन तब मुझे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था। 1 जनवरी को ही मुझे बहुत ज्यादा बुखार आया, 101 तक मेरा बुखार चढ़ गया था। जब तक दवाई का असर होता था तब तक बुखार उतरता था, लेकिन फिर से बुखार चढ़ ही जाता था। भूख बिल्कुल भी नहीं लगती थी। जितना मैं अभी भी बात कर पा रही हूँ उतना मैं बात 1 हफ्ते पहले नहीं कर पा रही थी। इस वक्त मुझे या इस टाइम मुझे कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी कोरोना हुआ, दूसरी बार हुआ, तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होने के नाते एग्जैक्टली ये ओमिक्रॉन होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उसमें इलाज क्या होता है, और जैसे कि अब तक कहा जा रहा है कि ये माइल्ड है, इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, क्या सच में ऐसा है, इसके बारे में आज मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे फिर से कोविड हुआ, तो जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी 2020 में, तभी भी मुझे कोरोना हुआ था लेकिन तब मुझे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था। इस वक्त ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपको सिम्टम्स के बारे में बताती हूँ। तो 1 जनवरी को ही मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आया, 101 तक मेरा बुखार चढ़ गया था। 3 दिन तक लगातार ये बुखार आता रहता था। जैसे कि शायद आपने भी सुना होगा, एक दवाई है डोलो करके, वही दवाई मैंने भी ली। तो जब तक दवाई का असर होता था तब तक बुखार उतरता था, लेकिन फिर से बुखार चढ़ ही जाता था। तो मैंने खुद को आइसोलेट किया सबसे पहले घर पे, और कोविड टेस्ट भी करवाया, टेस्ट पॉजिटिव आया। तो फिर भी बुखार तो उतर नहीं रहा था, और धीरे धीरे गले में भी हिचकिचाहट होने लगी, जुकाम शुरू हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होता था, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती थी। एक सिम्टम शायद आपने भी सुना होगा कि ओमिक्रॉन की, अगर आपको ओमिक्रॉन से आप अगर संक्रमित होते हैं तो भूख भी नहीं लगती। मेरे बारे में भी वैसा ही हुआ, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती थी। दोपहर तक भी, मतलब जब लंच का वक्त होता है तभी भी मुझे कोई खाने का ऐसी ज़रूरत नहीं लगती थी। मुझे खाने का फील ही नहीं आता था कि मुझे कुछ खाना चाहिए, अभी भी ऐसे भी नहीं होता था। जैसे मैंने कहा, थकावट बहुत होती थी। जितना मैं अभी भी बात कर पा रही हूँ उतना मैं बात 1 हफ्ते पहले नहीं कर पा रही थी। चलना भी मुश्किल होता था। इस एक कमरे में मैं चल भी नहीं पा रही थी, वॉक नहीं ले पा रही थी। तो ऐसी सारी चीज़ें हो रही थी। बुखार का जैसा मैंने जिक्र किया, वो बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा वीकनेस आई। और अगर मैं इसको फर्स्ट एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करूँ, तो फर्स्ट इसमें तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, और उसके मतलब जो इलाज था उसमें ही वो एक्सरे करवाते थे, चेस्ट एक्सरे होता था, सिटी स्कैन करवाते थे। तो उसमें मेरे लंग्स में स्लाइट पैचेस ज़रूर थे, क्योंकि लेकिन मैं हॉस्पिटल में ही थी तो मेरा उधर ही इलाज चल रहा था। बहुत ज़्यादा दवाई भी लेनी पड़ी थी, और उसके बाद जब डिस्चार्ज हुआ 7 दिन के बाद, तो उसके बाद भी मुझे 15 दिन तक दवाइयाँ लेनी पड़ी। लंच के वक्त, डिनर के वक्त, बिफोर ब्रेकफास्ट, ऐसे तीनों समय मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। अगर इस दोनों का एक डिफरेंस बताया जा सके कि फर्स्ट वेव से ये थोड़ा हल्का है, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा कम खतरनाक है, उसका एक ही कारण हो सकता है कि मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ। जैसे कि मुझे इस बार जब कोविड हुआ तो मैंने ऑब्वियसली डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन की, तो मेरे डॉक्टर ने भी यही कहा कि इस वक्त मुझे या इस टाइम मुझे कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना बुखार उतारने के लिए ज़रूरत है उतनी ही मैंने गोलियां ली। उसके अलावा एक भी विटामिन टैबलेट या कोई भी दवाई मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि मुझे फर्स्ट टाइम कोविड हो चुका था और मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ, तो इसकी वजह से मेरे बॉडी को एक इनफ प्रोटेक्शन है और इसके लिए मुझे कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम कोविड मुझे हुआ था 2020 में जब फर्स्ट वेव थी, उसके बाद 2021 में मई के महीने में और अगस्त के महीने में मैंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोसेस ले ली थी, और उसके अभी 4 महीने बाद मुझे फिर से कोविड हुआ है। लेकिन इसको माइल्ड तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो परेशानी मुझे फर्स्ट टाइम हुई थी कुछ वैसी ही मुझे अभी भी हुई, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा है, बुखार बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी नहीं कर पाते। आप ऑलरेडी आइसोलेटेड होते हो तो सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने गले का कहा था, तो इतनी हिचकिचाहट थी कि मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी, रोटी सब्जी भी नहीं खा पा रही थी, कोई भी मसाले वाली चीज़ नहीं खा पा रही थी। सिर्फ एक जैसे कर्ड राइस मानो जितना मामूली खाना होता है उतना ही सिर्फ मैं खा पा रही थी। तो ऐसी सारी तकलीफें ज़रूर होती है, लेकिन
ये एक चीज जरूर है कि वैक्सीन ली थी और इसकी वजह से मुझे ये टाइम इस वक्त हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, और दूसरी चीज कोई भी दवाई लेनी नहीं पड़ी जो कि मुझे फर्स्ट वेव में लेनी पड़ी थी। तो अगर आपने भी वैक्सीन नहीं ली है तो मैं आपको दरख्वास्त करूंगी कि ये गलती हरगिज़ ना करें, आपकी वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा लें ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।